हे दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो। बताओ वहाँ पर मैंने वीडियो कुछ बनाया है, यदि आपको अच्छा लगे तो बताना फीडबैक में कि हाँ तुमने ऐसा बनाया, नहीं अच्छा लगा तो भी बताना और जरूर से बताना यार। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक के ऊपर कि यहाँ पर एयरटेल कह रहा है कि हम आपको IUC से छुटकारा देंगे, बिना कोई IUC चार्ज के हम आपको अनलिमिटेड कॉल्स देने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। बट दोस्तों कैसे, यहाँ पर दोस्तों एयरटेल और जियो में जो टक्कर चल रहा है आजकल IUC चार्ज को लेकर, बहुत सारे IUC चार्ज है, ए है, ओ है। और दोस्तों आपने फिलहाल सुना होगा कि ओपन एक मीटिंग हुआ है जहाँ पर ट्राई के द्वारा और एयरटेल, वोडाफोन, जियो सब थे, कहा कि IUC चार्ज को नहीं हटाया जाए, तो इससे एयरटेल को फायदा, बट जियो को यहाँ पर नुकसान है। इस कारण से जितने भी जियो के सब्सक्राइबर हो एयरटेल में शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कंपेयर करने वाला हूँ 149 वाला प्लान प्लस में 169 वाला प्लान जो एयरटेल का है और जियो का 149 प्लान है, जो सर मैंने भी इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया है। यदि आपने 149 वाला प्लान के बारे में नहीं देखा वीडियो तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो आप इस वीडियो को वॉच करते रहिए, इसमें मैं पूरा आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होने वाला है। बट उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस वीडियो का टारगेट हम 200 लाइक्स कर रखते हैं ताकि आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे एयरटेल कह रहा है कि हम आपको IUC से छुटकारा देंगे, बिना कोई IUC चार्ज के यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉल्स देने वाले, वो भी 169 वाले प्लान में। जितना बात करना है बात करो, जितना दिन रात लगे रहो कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पर 149 वाला जो जियो का प्लान है उसमें जियो कह रहा है कि हम आपको इतना ही देंगे जितना हमारे पास सक्षम है, जितना हम देने के लिए तैयार है। बट देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा होने वाला है, क्योंकि हमें तो बेनिफिट से मतलब है, चाहे ऑपरेटर कोई भी हो, क्योंकि एयरटेल भी अच्छा है, जियो भी अच्छा है, जहाँ जियो का स्पीड अच्छा है कहीं एयरटेल का स्पीड अच्छा नहीं है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, जो आपके लिए बेस्ट हो आप उसे ले लेना और अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, सिम के ऊपर। तो 149 वाले प्लान के तहत यानी जियो के तहत आपको 1.5 GB डेटा आपको 24 डेज के लिए पर डे मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद यहाँ पर आपको 100 एसएमएस मिलेंगे, सही बात है, यहाँ पर आपको डेली के 12.4 मिनट्स लगभग मिलेंगे और जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल वैलिडिटी है दोस्तों 24 डेज का, जो बहुत ही अच्छा है। बट दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल जो वैलिडिटी मिलता है इस कॉस्ट का यानी 149 वाले प्लान का, ये 24 डेज होता है, पहले 28 डेज था बट अब 24 डेज कर दिया गया है। अब एयरटेल की बात करें तो यहाँ पर 169 रुपये का प्लान ले रहा है, यानी इसमें आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है एयरटेल, बट यहाँ पर आपको बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा दे रहा है। एयरटेल में आपको टोटल 24 डेज के अंदर 36 GB मिलता है, बट यहाँ पर एयरटेल आपको मात्र 28 GB देता है। बट यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि हम आपको जियो से कई गुना ज़्यादा स्पीड देंगे, अच्छा स्पीड देने वाले हैं और देते रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर एयरटेल तो कहता है ठीक ठाक है, बट ये दोस्तों यहाँ पर 500 MB डेटा कम देता है एयरटेल। अब बात करें यहाँ पर कॉल्स की, तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलता है, कोई भी IUC चार्ज का झंझट नहीं है। बट यहाँ पर जियो के अंदर आपको 300 मिनट्स का मिलता है 24 डेज के लिए, बट आप डेली कैलकुलेट करते हैं कि कितना मिनट मिलता है, तो यहाँ पर आपको 12.4 मिनट पर डे मिलता है कॉल करने के लिए, और जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल करें। किंतु तो अभी तो सबके पास जियो है, तो आप जियो से जियो बात कर सकते हैं बिना कोई IUC चार्ज के। बट यदि आप किसी और एयरटेल पर करते हैं, आइडिया, वोडाफोन, BSNL पर, किसी भी करते हैं, तो यहाँ पर आपको 12 मिनट देता है जियो डेली का। तो आप बताने कि आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान कौन सा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो तब तक ले स्टे ट्यून, जय हिंद, वंदे मातरम।